नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारी बारिश के चलते श्रीनगर और पौड़ी में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। यहां अलकनंदा अपने रौद्र रूप में बह रही है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच चुकी है, लिहाजा नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश होने के कारण श्रीनगर में जो नदी का जलस्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। खतरे के निशान से ऊपर अभी अलकनंदा नदी बह रही है। लगभग श्रीनगर के सारे घाट, चालकेश्वर घाटों, जितने भी घाट हैं, सीएन टापू के पास का घाटों, सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं और कई जगह रोड भी ब्लॉक है। उत्तरकाशी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पौधारोपण, राष्ट्र ध्वज के साथ सेल्फी जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ मनेरी गांव में एक शिला फलक का उद्घाटन हुआ है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे वीर सैनिक हैं उनको सम्मानित किया गया और अभी एक वसुधा वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य गतिमान है और इसी प्रकार से कार्य जनपद के प्रत्येक गांव में हो रहे हैं। फर्रुखाबाद में स्कूल की टीचर ने पढ़ाई की जगह बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दी है। दरअसल एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां छात्र स्कूल की छत पर झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं। मामला बड़पुर ब्लॉक के कन्या प्राथमिक विद्यालय ढिलावर का है। इटावा में स्टंटबाज युवाओं में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। बेखौफ युवक जान जोखिम में डालकर कार की छत और बोनट पर बैठकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। दो कारों पर स्टंटबाजी कर रहे युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो थाना उसराहर क्षेत्र के अंतर्गत भरतिया कोठी का बताया जा रहा है। बागपत में शहर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली बागपत हाईवे पर चौधरी फोम फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण का पता नहीं लग पाया है। मौके पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। गिर सोमनाथ में पुलिस थाने के पीएसआई जगदीश डांगर को घोड़े पर बिठाकर गरबा डांस करते हुए विदाई दी गई। पीएसआई जगदीश डांगर को सोरठी परंपरा के साथ विदाई दी गई। साथ ही नई महिला पीएसआई रीनाबेन सुवा को सजा धजा कर घोड़ी पर बिठाकर थाने ले जाया गया। मऊ रानीपुर के ग्राम झाकरी के युवक रवि कुमार अपनी वृद्ध दादी को लेकर देवरी घाट गया, जहां स्नान कर जल भरकर कामवर अपने कंधे पर रखा। एक तरफ जल से भरे कलश तो दूसरी तरफ वृद्ध दादी को बैठाकर पैदल स्वर्गेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां शिव जी का जलाभिषेक किया। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां दबंगों ने युवक से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदवाड़ा मोहल्ले का है। नैमिषारण्य जल भरने जा रहे मोटरसाइकिल पर सवार 3 कानवरियों को अज्ञात बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने सभी घायल कानवरियों को जिला अस्पताल पहुंचाया। एक कानवरिया को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, वही दो का इलाज जारी है। कल दिनांक 13/8/2023 को रात्रि करीब 10:30 बजे थाना रामकोट क्षेत्र में एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल के आपस में दुर्घटना होने की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल मौके पर थानाध्यक्ष रामकोट पहुंचे। जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं सेंट जेवियर्स स्कूल परिवार ने भी 15 अगस्त की तैयारी के तौर पर हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जहां स्कूल के टीचर सहित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।